120 घंटे में सिसोदिया से क्या क्या सवाल पूछेगी सीबीआई? 120 घंटे में किन आरोपियों से सिसोदिया का सामना कराएगी सीबीआई? 120 घंटे की पूछताछ में आखिर किन सबूतों से मनीष सिसोदिया का सामना करवाएगी सीबीआई? क्या 120 घंटों बाद आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा बदल जाएगा? 120 घंटे बाद सिसोदिया आपके नायक होंगे या फिर आरोपों के दलदल में फंसकर गुम हो जाएंगे? 5 दिन यानी 120 घंटे। इन 120 घंटों पर बहुत कुछ टिका है। दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट से सीबीआई को मिला ये वक्त बेहद अहम है। ये वक्त अहम है आम आदमी पार्टी के लिए। ये वक्त अहम है मनीष सिसोदिया के लिए। ये वक्त अहम है सीबीआई के लिए। इन 120 घंटों में सीबीआई को मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है, साथ ही वो अहम सबूत भी जुटाने हैं जिसके लिए सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की रिमांड मांगी थी। सीबीआई सिसोदिया से जो सबसे बड़ा सवाल पूछने वाली है वो है शराब नीति के कैबिनेट नोट में बदलाव क्यों किया गया। आरोप है सिसोदिया ने मौखिक तौर पर सचिव को नया कैबिनेट नोट बनाने को कहा था। अब सीबीआई जानना चाहती है किसके कहने पर शराब पॉलिसी को लेकर नया कैबिनेट नोट बनाया गया। आखिर कंपनियों का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया। दिल्ली की नई शराब पॉलिसी में रिश्वतखोरी का भी आरोप लगा है, इसीलिए सिसोदिया से सीबीआई कथित तौर पर दक्षिण समूह से मिली 100 करोड़ रुपए की रकम को लेकर भी सवाल पूछेगी। सूत्रों के हवाले से सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है ये पूरा लेन देन हवाला के जरिए किया गया था। सीबीआई इस मनी ट्रेल पर सिसोदिया से सवाल पूछेगी। सीबीआई सिसोदिया से ईडी की जांच में मिली मनी ट्रेल को लेकर भी जानकारी लेगी, यानी सीबीआई सिसोदिया से पूछेगी कथित पैसा आया कहां से, गया कहां। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई पूछेगी सिसोदिया ने अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक बार बार मोबाइल फोन क्यों बदला। सीबीआई को मिले दस्तावेजों के मुताबिक इस दौरान सिसोदिया ने 4 महीने में 13 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड बदले, इसीलिए सीबीआई सिसोदिया से पूछेगी आखिर बार बार मोबाइल और सिम कार्ड क्यों बदला, इस्तेमाल के बाद मोबाइल क्यों नष्ट किया गया, दूसरे के नाम पर सिम कार्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया। इन सवालों के साथ ही सीबीआई सिसोदिया का सामना उन अफसरों और गिरफ्तार आरोपियों से भी करवा सकती है जो इस केस से जुड़े हैं। यानी 120 घंटे में दिल्ली शराब घोटाले के कई पहलुओं की जांच होगी, कई तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी, कई परतें खुल सकती हैं। इन्हीं 120 घंटों में तय होगा सिसोदिया का राजनीतिक भविष्य क्या होगा।